दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बेहद खुशी है कि एक और दिन, एक और हफ्ता, एक और प्रोग्राम आपके बीच में लाइव हम ला पा रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से ये मौका परमेश्वर हमें देता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं, एक सेकंड दीजिए प्लीज़। या आप में से हर कोई वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो पिता। जितने फेसबुकर हैं, माफ़ी चाहते हैं कि जो एंगल हमने जो सेट किया है वो सिर्फ मेरी तरफ किया है, टीवी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी अलग से जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसको आप लोग जो हैं बिल्कुल देख पाएंगे फुल डिटेल में। ओके ना दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आज फिर से कौन कौन आते हैं हमसे बात करने के लिए फोन पर। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं उस उपस्थिति के लिए जो उपस्थिति उस दिन से हमें मिली है, जिस दिन से हमने अपना जीवन आपको दिया है। प्रभु, आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं, और जितने लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं, उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, अगुवाई करें और परमेश्वर आपकी अलौकिक बुद्धि ज्ञान इस वक्त हम मांगते हैं। प्रभु जी, जहाँ तक मसीहत फैली है विश्व में, 800 करोड़ की आबादी में, उनमें से वो सभी प्रतिशत मसीह लोग सही दिशा पर, सही तरीके से अपना मसीह जीवन जी सकें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हैं, ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। चलिए दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि उस अनाउंसमेंट्स को आपके बीच में मैं रखूं और उसके बाद आप लोगों से हम बात करेंगे। ओके, आप जानते हैं जितने अभी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक वालों निराश नहीं हो क्योंकि इसकी रिकॉर्डेड वीडियो तुरंत जैसे ही 9 बजेगा मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जो कि एवरी संडे आपके बीच में हम आते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, और जिसके चलते आप लोगों को दो प्लेटफॉर्म से कम आप लोगों को लाइव मैं दिखता हूं। जी हाँ, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग जो हैं मेरी देख पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि कितने लोग जुड़े हैं वो नहीं दिख रहा है। एनीवे, थैंक यू फॉर ओके। मुझे नहीं पता कि क्यों लोग नहीं दिख रहे हैं, कितने लोग जुड़े हैं, बट कोई बात नहीं, जैसा है वैसे उसको लेके चलेंगे। ओके नाउ, मसीह मंथन बैठक इन दी ऑनलाइन चर्च आपके बीच में एवरी संडे आता है लाइव, और जिसको आप देख पाते हैं कम से कम दो प्लेटफॉर्म से। ओके, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो आपके बीच में हम जो हैं रखते हैं। ना दोस्तों, फेसबुक पर बड़ी तादाद में, प्रतिदिन बड़ी तादाद में आप लोग फॉलो कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जिसके लिए मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए। या 165 नीता जी, थैंक यू। और जिसके चलते अगर मैं गलत नहीं हूं कि हर 4 दिन या 5 दिन के अंदर 1,000 लोग फेसबुक पर घरी शिक्षाओं के फॉलोअर्स बन रहे हैं,
और इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को जाता है। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर 110,000 फॉलोअर्स अभी तक हो चुके हैं, और जिसके चलते मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और मैं जानता हूं कि शैतान को इस वक्त में बड़ी चिढ़ मुझसे, कड़ी शिक्षाओं से, और जिस तेजी से परमेश्वर का काम हो रहा है उसको लेकर उसको बड़ी चिढ़ होगी, और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जैसे तैसे डैनियल राज को रोक दे सोशल प्लेटफॉर्म पे। वो अपने सारे पैतरे स्ट्रैटेजी वो ज़रूर अपनाएगा, लेकिन परमेश्वर का काम है, कोई मायके लाल रोक नहीं सकता। और अगर एक प्लेटफॉर्म से मैं रुकता हूँ तो दूसरा प्लेटफॉर्म परमेश्वर जो है हमारे लिए मुहैया करवाएगा ना। दोस्तों याद रखिएगा, मुझ जैसे 10% मसीह के दय में जब तक बने रहते हैं और जब तक परमेश्वर द्वार खुला रखा है उसका खूब फायदा उठाए। ओके, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब क्या है ना चीज़ें आ जाए, और कई चीज़ें रोकने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मजबूत बने रहना है। साथ ही साथ फेसबुक के ऊपर 2,48,000, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द 2,50,000 हो जाएंगे। और आपको बताता चलूँ कि इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप आंकड़ा देख सकते हैं। ये जो 3 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर यहाँ पे कई लोगों को अपना वचन सुनवा रहा है ना। दोस्तों याद रखिएगा, मेरा इन सब के पीछे बोलने का मकसद एक ही है, और वो मकसद ये है कि लोगों तक खरी शिक्षा पहुँचे। मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं इन प्लेटफॉर्म से पैसे कमाऊं, जो कि मैं नहीं कमाता। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि खुद भी सब्सक्राइब करें, खुद भी फॉलो करें, आइकन बेल प्रेस करें, लेकिन दूसरों को भी रिकमेंड करें कि वे भी इन बातों को सीखें और समझें ना। दोस्तों मुझे बेहद खुशी है कि मैं पुनः MMB चर्च शुरू कर पाया हूं, और जिसको स्टार्ट करके अगर मैं गलत नहीं हूं कि अभी तक 6 टाइम हम जो हैं पुनः जा चुके हैं। अब जो ये डेट होगा ये शायद 7th हमारा जो है एवरी मंथ का मीटिंग होगा, तो इसको बोल सकते हैं कि कम से कम 7 महीने हो गए हमने इन सभाओं को शुरू किया है। तो जितने पुणे के आसपास के लोग हैं, महाराष्ट्र, अहमदनगर या आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, आप में से हर कोई अगर जुड़ना चाहे तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं इस एड्रेस के ऊपर। डैनियल भाई बात करनी हो तो किससे बात करें, बाकी जानकारियों के लिए आप नीचे देख सकते हैं 2 नंबर हैं, सिस्टर रोजी जी हैं, ब्रदर सचिन जी हैं, जो कि पति पत्नी हस्बैंड वाइफ हैं, मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं ना। दोस्तों जितने नए लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जिसके लिए हमने ये 3 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप में से जिस किसी को भी प्रार्थना की ज़रूरत है आप इनको कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रार्थना निवेदन यहाँ पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैट्रिमोनी स्टार्ट हो चुकी है, सिस्टर सिमरप्रीत कौर जी जो हैं इसको हैंडल करती हैं, और मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक के जितने भी जवान युवा लड़का लड़की हैं वो सभी आप जो हैं रजिस्ट्री कराएं, और उसके बाद आप लोगों के लिए मैच आप जो हैं प्रोफाइल्स जैसे आपको भेजा जाएगा उसके हिसाब से आप लोग ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक मिशन ट्रिप या MMB कॉन्फ्रेंस, साउंड डॉक्ट्रिन कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है इन मंथ ऑफ अप्रैल इसी साल के, और ये सभी क्षेत्र में होगा, और इसका कौन लीडर होगा, किसका लीडर कहां पर होगा, उसकी सारी जानकारी आपको शायद है अगले हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगी, और जिसकी मैं मीटिंग कर रहा हूं इस शुक्रवार को। तो मैं चाहता हूं कि वो सभी जितने MMB के फ्रंट लीडर्स हैं, याद रखिए फ्रंट लीडर्स, आप लोगों को जुड़ना कंपलसरी है। दोस्तों मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि महिलाओं के लिए सभा शुरू हो चुकी है, सिस्टर प्रीति कुजूर जी जो हैं इसको चलाती हैं, ये उनका नंबर है, और ये जो पहले महीने में एक बार होता था अब ये हो रहा है एवरी वीक। आप देख सकते हैं सैटरडे शनिवार को रात 8 बजे जूम पर आपको जो है सिस्टर लीड करेंगे। ओके, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं, पति पत्नी के बीच की बातें, कई तरह की बातें होती हैं जो आपको एक सही सलाह की या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो जिसके चलते सिस्टर प्रीति कुजूर जी आपको जो है यहाँ पे लीड करेंगे ना। दोस्तों मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि 26 इस तारीख को, इस महीने के माफ़ करना 26 जनवरी को, इनफैक्ट ऐसे बोल देते हैं कि 26 जनवरी को एक स्पेशल टीचिंग मैं देने जा रहा हूँ, और जिसके लिए मुंबई कर
कुरला, घाटकोपर, छेंबूर, कुलाबा, बदलापुर और जितने भी एमएमबी के मेंबर्स हैं और साथ ही साथ फॉलोवर्स हैं, आप मुंबई में रहते हैं, मैं आप सभी को वेलकम करता हूं, इनवाइट करता हूं स्पेशल टीचिंग के लिए। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई फीस नहीं है, बल्कि आप लोगों को यहाँ पे भोजन की भी सुविधा की गई है। आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, फॉलोड बाय लंच, और ये वक्त है सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा वर्शिप के साथ में। कृष्णा एंड टीम आपको जो है वर्शिप में लीड करेंगी, फिर टीचिंग होगा, प्रार्थना होगी, सवाल जवाब भी होंगे वहाँ पर। तो ये सब एक अच्छा प्रोग्राम 26 जनवरी के लिए आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई जो है मुझे आप लोग यहाँ पर मिले, और साथ ही साथ मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको लाइव आप लोगों के बीच में ला सकूं। नीता जी एक बार फिर से बता दें कि कितने लोग जुड़ गए हैं अभी तक, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों फेसबुक पे आज नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों आते हैं अगली स्लाइड पर, और वो है मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स बनने के बारे में। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई जो इस वक्त में मुझे देख रहा है, सुन रहा है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर, क्या आप मसीह मंथन बैठक का जो वर्ल्ड ग्रुप है, क्या आप उसमें जुड़ गए हैं? अगर नहीं जुड़े हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई सदस्य बने। क्यों? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है खरी शिक्षाएं दी जाती हैं। क्या नाम है सुमन, अगर आप देख रही हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कॉल के साथ में रेडी रहें, और जिसको मैंने कहा है आप उनको कॉल पे ले लीजिएगा। ओके, आपको पता है मैंने किसको कहा ना। दोस्तों अब बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और मैं चाहता हूं कि ओके, इसको मैं काम करता हूं, उसको बैक करके फिर कोशिश करता हूं। थैंक यू लॉर्ड। ओके, जिस किसी को भी मुझसे दिक्कत है, मेरे प्रचार से दिक्कत है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कॉल करें। आज कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। ओके, 200 लोग, 206 लोग, थैंक यू। जो जो देख रहे हैं आप में से हर कोई अपने तरीके से आप डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए, खास करके फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो वालों के लिए, हम एक मौका दे रहे हैं, और मौका ये है कि आप में से हर कोई जिसको मेरी वीडियो देखकर दिक्कत है, आप अलग से वीडियो बनाने के बजाय एक बार मुझसे बात करिए, नंबर वन। दूसरा, आप लोग जब कमेंट्स लिखते हैं नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप मुझसे बात करें। आप लोगों को मौका दिया है इस नंबर पे कॉल करने का, तो जिसके चलते मैं समझता हूं जितने भी नेगेटिव कॉल करते हैं, आप में से हर एक को मौका है हफ्ते में एक दिन, जी हफ्ते में एक दिन आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लिखा है सीधे बात करने का मौका। ओके, और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि और एक चीज जो नेगेटिव वाले हैं वो करें, और वो ये है कि जब कभी भी आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, आपको नंबर पे फोन करना है, लेकिन उसके बावजूद भी करते हैं, तो जिस हिम्मत से आप लिखते हो ना अपनी उंगलियां चलाकर, उसी हिम्मत से अपना नंबर भी डालिएगा कि डैनियल भाई आपकी ये मुझे दिक्कत है, ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करिए, मैं आपको कॉल बैक करूंगा और आपसे पूछूंगा कि मसीह की दया में आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, किसी की भी प्रीचिंग नॉट 90% बोल देता हूं, नहीं समझ में आती है। तो जब चीजें नहीं समझ में आती है तो बेस्ट तरीका है चुप रहा करो। इसको कहते हैं चुप, चुप अपनी उंगलियां चलाने के बजाय चुप रहा करो,
और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु जी, एक भाई का वीडियो देख रहा था, वो चाहे डैनियल राज का भी क्यों ना हो, आप अपनी तरफ से बात कर रहे होंगे, ठीक है ना, नहीं समझ में आया प्रभु जी मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो मैंने तो ऑप्शन दिया हुआ है बात करने का, पहले नहीं देता था अभी दे रहा हूं, तो फिर आइएगा और आके बात करेगा। ओके सुमन, मैं वेट कर रहा हूं, उनको कॉल पे ले लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों जल्द शुरू हो रहा है 29 पुस्तकों का फटाफट अध्ययन, फटाफट अध्ययन, ये नहीं कि आप लोगों को जो है वर्ड्स बाय वर्ड्स जाएगा, लेकिन फटाफट अध्ययन जरूर होगा। आइए सुनते हैं। या हेलो हेलो हेलो, या डेविड डेनियल साहब बोल रहे हैं जी? अच्छा, मैं रेवरेंड विश्वास मसीह इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मैंने दो चार आपके वीडियो देखे थे और मुझे अच्छा लगा कि आप काफी अच्छे विषय जो बिब्लिकल हैं, जो बाइबल से पे बेस्ड हैं, वो उनको आप डील करते हैं। लेकिन अभी क्रिसमस पर मैं आपका वो वीडियो देख रहा था, तो आपने बताया था कि दुनिया भर में सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं, ये करते हैं और ऐसा वैसा, तो उसमें आपने क्रिसमस ट्री के बारे में भी थोड़ा कुछ वो किया था। तो मैं आपसे एक सलाह के तौर पर देना चाहता हूं कि हमारा फोकस इन रीति रिवाजों पर और जो चीजें चल रही है उसको हम इतना कहना चाहिए कि क्रिटिसाइज करके उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है न्यू जनरेशन जो है, अभी क्या हुआ था कि मैं बहुत पुराना कनेडियन प्रेसबिटेरियन से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मेरे जो चर्च में जो ट्रेडिशनली गीत वीत गाया करते थे तो थोड़े से सीरियस और कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए कि बहुत एक्साइटिंग वाले गीत नहीं हुआ करते थे, तो जवान लड़के बहुत ज्यादा बोर होते थे और उनको लगता था तो वो चर्च से बाहर चले जाया करते थे। तो उस बात से एक बात समझ में आई कि हमको हमारे साथ जो जवान पीढ़ी है उसको भी इस तरह से करना चाहिए। अब जहां तक क्रिसमस मनाना है, गलत तरीके से लोग मना रहे हैं, अपन उसको क्रिटिसाइज जरूर करो, लेकिन क्रिसमस नहीं मनाना, हम भी जानते कि 25 तारीख यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा अवसर होता है जब हम नॉन क्रिश्चियंस को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर किस लिए आया था। अब अगर ये सारी चीजें ये हैं तो फिर हम एक मसीह होने के नाते हम अपना बर्थडे भी नहीं मनाए, हम शादी की सालगिरह भी नहीं मनाए, और ये सारी चीजें फिर हमें भी बंद कर देना चाहिए, क्यों हम इन चीजों को तवज्जो देते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो आज का जमाना है, प्रस्पेक्टिव है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम ब्लाइंडली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं हो, आप उसका सब्स्टिट्यूट बताओ। जैसे कि हम लोग ये इस बात को क्रिसमस को एक अवसर बनाते हैं भैया, ये क्योंकि हिंदू लोगों को तो सारी, क्योंकि रोमन कैथलिक संसार ने पूरी दुनिया को भ्रमित कर दिया इसको लेकर के, सांता क्लॉज को लेकर के, और क्रिसमस को अलग तरीके से सब करके उसको कमर्शलाइज कर दिया, ग्लैमराइज कर दिया। तो हम लोगों को उस अवसर को लेना चाहिए और उसके अंदर अब जवान बच्चे चाहते हैं कि उनको खुशी मिले, उनको आनंद मिले, तो कोई ऐसा अपन क्यों ना सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि क्रिसमस का जो महत्व है वो भी बताए, साथ ही साथ एक अच्छे आनंद का, एक खुशी का समय हो सके। अभी हम गांव में गए थे, वहां हमने बच्चों को स्ट्रीट्स वगैरह बताए, ये तो वहां गांव के लोग बड़े खुश हुए, इसके पहले वहां कोई कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं होता था। एक हमने उस क्रिसमस का एक अवसर खोल लिया, उसको बताना समझाना शुरू करा। अब हम भी मानते हैं कि 25 तारीख और बाकी की चीजें जो है वो सब लोगों द्वारा स्थापित की गई है, लेकिन ठीक है, कुछ तो है ना हमारे पास एक अवसर जब हम लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अभी जैसे कि एक बार मैं बैंक में काम करता था, मैंने बैंक में नौकरी करी है 26 साल तक, तो मैंने पहला क्रिसमस जब मेरा बैंक का ज्वाइन में हुआ था, तो पहला क्रिसमस आया तो मेरे को सब बोलने लगे कि भाई क्रिसमस पे तो बहुत दारू पीते हैं और बहुत रंजनियां होती है, ये होता है, तो
तो मैंने उसको बैठ के समझाया कि ये जो आपने फिल्मों में देख रखा है वो क्रिसमस नहीं है, और जो ये चीजें चकाचौंध है ये क्रिसमस नहीं है, लेकिन क्रिसमस क्या है उसको समझाया। और उसके बाद में हमारे यहाँ फिर किसी व्यक्ति ने या मेरे कलीग ने कभी मुझको नहीं कहा कि क्रिसमस में दारू पीने के लिए होता है या होता है। मैं उनको समझा, जब हमारे यहाँ म्यूजिक कॉम्पिटिशन होता तो मैं क्रिसमस गीत गाता था, सॉरी क्रिश्चियन ग्रीड गीत गाता था, तो इन अवसरों को हमको ये करना चाहिए। अब आप पब्लिकली इतनी बड़ी ये सर्गो, तो जो जवान पीढ़ी उनके ऊपर होता है कि अरे यार क्रिश्चियनिटी इतनी सैड है, इतने इसमें कुछ भी नहीं, खुशी नहीं है इसमें, कुछ भी आनंद नहीं है। हम क्रिसमस मनाते हैं तो लोग क्रिटिसाइज, हमारे चर्च के पादरी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, या क्रिश्चियन लोग और विशेष करके इवेंजलिस्ट करते हैं, और जो जो फ्रीलांसर है वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमको, मैं आपका आपका तरीका मैं जो समझ में आया सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि आपने बताया कि हमारे 1,90,000 या कितने व्यूज हो गए हैं। एक सेकंड, वहां पे बाद में जाएंगे सर, वहां पे बाद में जाएंगे, पहला कुछ चीजें आपसे पूछ लेता हूँ सर। जी ओके। तो रेवरेंड जी, इस वक्त में आपको कम से कम 300 लोग इस वक्त में लाइव आपको सुन रहे हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले रेवरेंड जी, अप्रिशिएट करता हूं कि आपने कॉल किया जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, मैंने कॉल नहीं किया है। नहीं सर, आपने जो हमारी टीम है ना उनको कॉल किया या मैसेज भेजा, मैं उसकी बात करूं। टीम को कॉल किया ये जानने के लिए कि मैं अपॉइंटमेंट ले सकूं बात बस, करने बस, के लिए। सर रेवरेंड जी बस काफी है उतना, मैं उसी को कह रहा था। ओके, तो वापस कह देता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं उसके लिए आपका। हेलो, अप्रिशिएट करता हूं उसके लिए, अप्रिशिएट करता हूं। थैंक यू जी, उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि रेवरेंड जी ऐसा है ना कि बहुत कम लोग हिम्मत कर पा रहे हैं आज डायरेक्ट बात करने की। और ये जो प्रोग्राम हमने रखा है ना, ये उसी पर्पज से रखा है कि डैनियल राज की या किसी की भी भारत के अंदर अगर कोई प्रचार या टीचिंग समझ में नहीं आती है तो उस व्यक्ति का नंबर लीजिए और उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। और आपने ऐसा किया, उसके लिए आपका अप्रिशिएट करता हूँ सर। ओके जी, अब रेवरेंड जी ऐसा है कि कुछ चीज़ें मैं भी जानना चाहता हूँ और जितने सुन रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं। आपका जो चर्च है उसका नाम क्या है? मेरा बैतलहम चर्च है। बैतलहम हाउस चर्च है, मतलब वो कोई ट्रेडिशनल बिल्डिंग नहीं है, छोटा कमरा है जिसको कि हमने रजिस्टर करके बैतलहम हाउस चर्च दिया है जी। ओके, तो दूसरी बात रेवरेंड जी, आपका डॉक्ट्रिन क्या है? मतलब मेनलाइन चर्च है, पेंटिकोस्टल है, आपका क्या है सर? मैं है ना तो पेंटिकोस्टल हूँ, ना मैं ब्रदरन हूँ, ना मैं कुछ नहीं, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, और जो बिब्लिकल टीचिंग चर्च की है मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं कोई डिनोमिनेशन नहीं हूँ। ओके, अप्रिशिएट करता हूँ, आप जो जवाब दे रहे हैं उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ओके नाउ रेवरेंड जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे जी। हाँ, वो क्वेश्चन ये है कि आपका जो टोटल कन्वर्सेशन था अभी 10 मिनट या 15 मिनट से हम सुन रहे हैं आपको, एक शब्द आपका बार बार आ रहा है कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। तो रेवरेंड जी आपसे पूछना चाहता हूं कि डैनियल राज ने कब कहा कि क्रिसमस नहीं मनाना है? एक्चुअली जब मैं आपका वो क्रिसमस के उस पे सुन रहा था तो क्या हुआ था कि जब आप ये बोल रहे थे कि क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है और उसको उसको बहुत ज्यादा ग्लैमर में या बहुत ज्यादा उसको तवज्जो दिया जाता है, और जैसे कि क्रिसमस फादर और क्रिसमस ट्री और वगैरह वगैरह। तो एक सेकंड सर आपकी बात सुन चुका हूं जी, आपकी बात सुन चुका हूं, मेरा क्वेश्चन को फिर से सुनिए आप। मेरा क्वेश्चन ये है और सीधा जवाब चाहिए, क्वेश्चन ये है कि क्या डैनियल राज ने ये कहा कि 25 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेट मत करो, ऐसा स्टेटमेंट था क्या? आपको एक बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, जैसे ही आप उस टॉपिक पर आए थे, क्रिसमस ट्री के टॉपिक पर आए थे, तो मैंने आपका वो बंद कर दिया, मैंने नहीं सुना। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये भी वो घूम फिर करके उसी उन्हीं बातों को कर रहे हैं जो तवज्जो वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। मैंने वो स्टेटमेंट उसके बाद के जो भी थे मैंने नहीं सुना। मैं सिर्फ वहां तक आया, क्रिसमस ट्री पर आए, जैसे आप
तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फिर ये वही बस बस बाकी के जो लोग बस 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 रेवरेंड जी बहुत टाइम नहीं है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा जी, फिर से पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं सुना। नहीं सुना बस, ओके अब होल्ड करिए, जरा रुकिएगा प्लीज, बात मत करिएगा, शांत रहिएगा। ओके, जिंदे मसीह जनता के लोग हैं, आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो रेवरेंड जी हैं, अच्छा इनको भी सुनाते हैं, ये जो रेवरेंड जी हैं, हेलो आप जरा सुमन हेलो, हाँ उनको बोलो कि चुप रहे, जब तक बात नहीं करने का कहा जाता है तब तक चुप रहे बोलो। ब्रदर आप थोड़ा टाइम होल्ड करिए, आपको बोला जाएगा। तो मुझे बोला कि चुप रहिए तो मैं चुप हूँ। हाँ हाँ, आप हेलो हेलो मत बोलिए, आप थोड़ा टाइम होल्ड करिए, मैं आपको बोलूंगी, वो टाइम पे आप वापस से बात करने मिलेगा। ओके, अरे मैडम मैं होल्ड कर ही रहा हूँ, आगे चलिए। इनका वारी निकाल देता हूँ। ओके, जितने अभी मुझे सुन रहे हैं, आपने इनका स्टेटमेंट सुना, ये किसी चर्च के अपना परिचय देते वक्त में ये कहते हैं कि ये रेवरेंड है, नंबर वन। दूसरा, ये किसी चर्च से बिलोंग नहीं करते लेकिन ये क्रिश्चियन खुद को कहते हैं। और जब इनसे पूछा गया कि क्या डैनियल राज ने ये कहा कि क्रिसमस को मनाना ही नहीं है, तो ये कहते हैं कि जैसे ही क्रिसमस ट्री का सुना इन्होंने अपनी वीडियो बंद कर दी, मतलब मेरी वीडियो देखना बंद कर दी। अब आप लोग बताओ कि गलती किसकी है। तो इसको कहते हैं कि इन्होंने पूरा वीडियो देखा नहीं, पूरा मैसेज सुना नहीं, और ये एक नतीजे पे आ गए कि डैनियल राज ने क्रिसमस का मैसेज को या क्रिसमस के सेलिब्रेशन को या जीसस के जन्मदिन की बात को करने के लिए मना किया है। जबकि आप जानते हैं, और वो वीडियो अभी YouTube और Facebook पर पड़ा हुआ है, जिस किसी को भी अगर शक है, शंका है, आप जाके देख लो। और मैंने कुछ स्टेटमेंट्स वहां पे बोले हैं जिसको मैं अभी रिपीट कर देता हूं छोटे में। मैंने कहा कि 25 तारीख यीशु मसीह के जन्म का दिन नहीं है, ना बाइबल बताती है और ना ही कोई प्रकार का हिस्टोरिकल हमारे पास में एविडेंस है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया उस दिन सेलिब्रेट करती है या मनाती है या जानती है, उसका क्यों ना फायदा उठाया जाए। मैंने ये कहा और अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, 25 है तो 25 ले लो, अगर 26 है तो 26 ले लो, और जो मानता ही नहीं है उनके लिए 365 दिन है। मैंने ये भी कहा था और मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि 25 तारीख का फायदा उठाओ और लोगों को बताओ कि यीशु इस पृथ्वी पर क्यों पैदा हुए। जैसे कि अभी रेवरेंड जी को किसी ने पूछा, अरे यार तुम्हारे यहाँ तो क्रिसमस दारू पीता है अलाना फलाना, इन्होंने बैठकर समझाया कि क्रिसमस का अर्थ क्या। मैं भी तो वही कह रहा था। अब इनका जो टोन है अभी बात करने का और हमको जो वॉइस क्लिप भेजने का जो टोन है, जो कि मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि अनसरी, उसको मैं पतंगड़ नहीं बनाना चाहता और इनकी बातों को मैं लेकर इतना हाइप भी नहीं करना चाहता। ओके, और मुझे पता है कि ऐसे 500 लोग अपने मसीह के दह में भरे पड़े हुए हैं जो सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं और फिर उसको बताते कुछ और हैं। तो इनसे अब एक विषय पे बात करेंगे और वो है क्रिसमस ट्री। तो आइए इनको कनेक्ट करते हैं। और सुमन, मैं चाहता हूं कि इनको बोलें कि जब बात करने को कहा जाए तभी करें। या हेलो जी, बोलिए सुमन। हाँ ब्रदर, अभी आप बात कर सकते हैं। ओके, एक सेकंड। सुमन, मैंने कहा कि क्रिसमस ट्री के ऊपर अभी इनसे हम बात करेंगे, तो इनको बोलो उसी विषय पे बात करेंगे। हाँ ब्रदर, अभी क्रिसमस ट्री जैसे आपने क्लिप भेजा था उसी विषय में आपको बात करनी है। ओके यार, देखिए जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, अभी आपने बताया कि उनकी टोन सुनिए और ओके सुमन, इनको अच्छे से समझाओ, इनको अच्छे से समझाओ और इनको कहो कि ये लाइव शो चल रहा है। ओके ना, अब आपको पता चल रहा होगा कि माजरा क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो दिक्कत क्या है। आपने अभी सुना होगा, ये कह रहे थे कि 1,09,000 जब या 8,000 का बात किया था, ये कहते कि तुम बोलते क्यों। भाई मैं बोलता हूँ, मेरा चैनल है, मेरा प्रोग्राम है, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा, और मेरे बोलने के पीछे का मेरा मकसद मैंने रखा है। अब जिसको तकलीफ है
वो ना देखें, जिसको तकलीफ है वो ना सुने। जैसे इनको पता चला क्रिसमस ट्री, तो इन्होंने तुरंत कहा कि मैंने बंद कर दिया। तो आपको जिस चीज़ से दिक्कत है उसको बंद करो। देखिए पौलुस क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों, एक वचन आपके बीच में रखता हूँ और फिर देखते हैं कि सेकंड कॉल सुमन, आपको पता होगा शायद पौलुस क्या कहता है। देखिए वो कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, हाँ वो कहता है वचन 21 में, ओके 20 और 21 दोनों पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय वचन 20 और 21 लिखा है, भविष्यवक्ताओं को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। 22 भी पढ़ दिया आपके लिए, तो जो ठीक है ना उसको ले लो, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं वैसा प्रचारक प्रचार नहीं करेगा आपके लिए। जैसे आपके कानों को अच्छा लगता है वैसे आपको हर प्रचारक नहीं मिलेगा। जब मैं इनकी प्रचार सुनूं, आशा करता हूं कि ये सुन रहे होंगे, जब मैं इनकी प्रचार सुनूं तो इनके प्रचार में मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और इनका छोड़िए, इन रेवरेंड जी का जो इंदौर से हैं इनका छोड़िए, अभी जो वर्तमान में जो लाखों प्रचारक अभी प्रचार कर रहे हैं, अगर मैं उनकी वीडियो में से अगर ढूंढ ढूंढ के निकालूं तो 90% मुझे ठीक नहीं लगता। वो उनका कंटेंट मैं आपको दिखा दूंगा कि देखो यहां गलत है, यहां गलत है, यहां गलत है, यहां गलत है। तो क्या मैं उन सब के पीछे पड़ जाऊं? जैसे ये एक तो पूरा नहीं सुने, आधा सुने और बंद कर दिया, तो यहां पे गलती है। दूसरा क्या कहते हैं, आप इतने सब्सक्राइबर्स हैं इतने ही है, अरे भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हम बोलेंगे और आगे भी बोलूंगा। तीसरा क्रिसमस ट्री पे आता और फिर खत्म करते हैं। क्रिसमस ट्री पे इनको दिक्कत है, ये कहते हैं, इनके वॉइस क्लिप को जब मैं सुन रहा था ये कहते हैं कि सेंट निकोलस उसने क्या किया लोगों को गिफ्ट बांटने के लिए। अच्छा इनका बोलने से पहले मुझे क्या बोलते हैं, आप अपनी स्टडी को ठीक करो, मुझे कहते हैं। इनका टोन ऐसा था, यही चीज़ को प्यार से बोल सकते थे ना कि डैनियल भाई आपका सब अच्छा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेंटा क्लॉस के बारे में, सेंट निकोलस के बारे में आपको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इनका जो टोन था वो अलग था, ठीक है होता है ऐसा, रेवरेंड है ना, होता है, मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका और अच्छे अच्छों को मिल चुका, वो बात अलग है। तो ये कहते हैं कि सेंट निकोलस ने जो गिफ्ट बांटना था वो सबके गरीबों को जरूरत को देखते थे और एक पेड़ के ऊपर वो जो है अपना गिफ्ट छोड़ देते थे और जिसको चाहिए होता था वो ले लेता था, तो ठीक है ना। उस टाइम पे उसको ऐसा लगा और उसने किया, मैं उसके खिलाफ थोड़ी हूं। और अगर अच्छा ये कहते हैं कि आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए, तो बेटा ऐसा है कि मुझे नॉलेज है लेकिन हम सब कुछ नहीं बोलते ना, जितनी जरूरत है ना उतना ही बोलते हैं। हम सब बोलते बैठेंगे तो हमारा जो लेंथ है ना वीडियो का बहुत लंबा हो जाता है। और इनको क्या लगता है कि जो चीज़ नहीं बोला इसका मतलब है इनको नॉलेज नहीं है। अच्छा एनीवे, तो सेंट निकोलस ने उस वक्त में जो करना था उसने किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उसको इमिटेट करके उसकी नकल करके उस क्रिसमस ट्री को चर्च में लाना शुरू कर दिया। और जिसके वजह से लोगों को लगता है कि ये क्रिसमस है, सेंटा क्लॉस आ गया वो क्रिसमस है। मेरा क्वेश्चन ये है इसमें जीसस कहाँ है, मेरा दिक्कत ये है। और रहा सवाल हरे पेड़ का, क्रिसमस ट्री का, मैं कैथलिक से आता हूँ और हमारी जो चार पीढ़ी है ना वो क्रिसमस ट्री को रखती हुई हर साल उसको मानती हुई चली आ रही। और मैंने एग्जांपल भी दिया था ना क्रिसमस के मैसेज पे, मैंने क्या कहा था कि पीतल का सांप एक जरिया था लेकिन इजरायलियों ने क्या किया, उसी जरिए को जो कि स्रोत है, सोर्स है परमेश्वर, वहां से आती है चंगाई छुटकारा सामर्थ, लेकिन उसको आराधना ना करते हुए पीतल के सांप को पूजना शुरू कर दिया। क्या ऐसा कहना गलत है, वो छोड़िए। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो सुसमाचार में मिलावट करते हैं, कहते हैं कि जवान बोर हो जाते हैं। अच्छा एक दिन ऐसा आएगा जब कहेंगे कि हमको आराधना से बोर हो रहा है, हमको प्रार्थना से बोर हो रहा है, हमको वचन से बोर हो रहा है। ये तो वही लोग हुए ना जिसका जिक्र पौलुस ने किया कि ये कानों की खुजली वाले। तो जनरेशन के हिसाब से हम प्रचार करें या जनरेशन परमेश्वर के वचन के हिसाब से चले, क्या बकवास है ये।
अच्छा, मैं हमारे चर्च में यूथ नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे ही चर्च में यूथ है, बाकी जगह पे यूथ नहीं है, सब जगह पे यूथ है। तो जैसा यूथ को चाहिए वैसे नाचे चर्च में, जैसा यूथ को चाहिए वैसे पास्टर प्रचार करे, बकवास। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूथ को अगर नई बात समझ में आती है, टाटा बाय बाय, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। जो चीजें हैं उसको लेके चलना, यही तो परमेश्वर का पत्रस कहता है। आपको एक वचन पढ़वा देता हूं, कहता है पत्रस, पहला पत्रस का चौथा अध्याय और वचन 11, आइए इसको सुनते हैं, आइए देखते क्या लिखा है। इसके ऊपर मैं घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि इस व्यक्ति को मैं अब, क्योंकि आपको इसका तरीका पता चल गया कि यह बंदा क्या है। पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय वचन 11, आइए सुनते हैं। लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। और पौलुस ने तिमोथी को क्या कहा कि तू परमेश्वर के सामने खुद को सिद्ध कर, शर्मिंदगी का महसूस, शर्मिंदगी का सामना नहीं करना, वचन को सही तरीके से प्रचार कर। इसका मतलब क्या, जो सुनने वाले उनको इंटरटेनमेंट करते बैठे, वाह बेटा कहते कि क्रिसमस ट्री रखने से जवान लोग उत्साहित हो जाते, आपको किसने बोला, या कुछ ऐसे करने से जवान लोग उत्साहित हो जाते, कल को तो फिर ऐसा भी आएगा, इसको बंद करते, या तो सुमन इनको कहो शांत रहे, अब इनको लगी है मिर्ची, अब इनको लगी है मिर्ची, क्योंकि अभी हम सच्चाई बता रहे हैं ना। तो वापस से कह दूं कि जैसा यूथ चाहता है वैसा जिस दिन चर्च चलने लगा, कई भैंस पानी में, यूथ हमारे चर्च में भी है। इसके ऊपर चाहिए तो फिर कभी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आप लोगों को साफ कह दूं कि क्रिसमस ट्री को चर्च में रखना और उसके ऊपर फोकस करना, वो तो शुक्र है कि एक सेंटा क्लॉस, माफ करना, सेंट निकोलस ने वो पेड़ का कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर कुछ और किया होता तो वो भी आ जाता चर्च में, बोला उसने ऐसा किया तो इसका प्रतीक है, इसने ऐसा किया तो उसका प्रतीक है। बट जीसस कहाँ है इस पूरे इसमें? मुझे एक बात बता दो, कैरिस्मेटिक पेंटिकॉस्टल में आपको जीसस कहाँ दिखता है? जीसस कहाँ दिखता है क्रिसमस के टाइम पे? शॉपिंग मॉल्स में जीसस कहाँ दिखता है? क्रिसमस ट्री क्या चीज है? सेंटा क्लॉस क्या चीज है? परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, लेकिन आजकल के प्रचारकों ने क्या किया? अभी इसकी बकवास सुन रहे थे आप, या आपने नोट किया, मैं इनको पूरा सुना, पहले बिल्कुल चुप था, मौका दिया इनको, लेकिन जब इनको कुछ चीज पूछा तो इनको दिक्कत आ गई। और आपने इनके मुंह से सुना है कि इसने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी, तो इनका जो भी नाम था, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं, जाओ मेरी वीडियो फिर से देखो और मैं तुमको खुद मौका देता हूं, वापस कॉल करो, लेकिन तरीके से। आपको हमने इज्जत दी तो इज्जत देना सीखो। आपसे हम जी जी करके बात करते हैं तो तुम भी वैसे ही बात करो। या चलिए दोस्तों, अब एक तो ना सुमन, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मैं चाहता हूं कि जो और एक कॉल था, आपको शायद पता होगा मैं भूल गया हूं, उनको भी लगा के बात करवा दीजिए। या बिल्कुल सही कहा, चर्च को दुकान बना के रख दिया। ओके सुमन, अगर आप देख रही हैं, सुन रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कॉल करें। ओके चलिए, अगर कॉल आता है बीच में तो एक सेकंड, मैं भी गलत हो सकता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है। अपन डायल के लेना नंबर, शायद हो सकता है बातचीत हो रही होगी। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो एक प्रोग्राम हम जल्द शुरू करने वाले हैं उसकी आपको थोड़ी सी जल्दी से जानकारी दे दूं। या थैंक यू ब्रदर राजवीर सिंह जी, 450 लोग इस वक्त में लाइव हैं, और मैं चाहता हूं कि अभी जिस जिसको दिक्कत हो, एक सेकंड इसको रख देता, इस टॉपिक पे जो अभी मैंने बात की, बिल्कुल कॉल करिए, अभी कॉल करिए। जिस जिसको लगता है ना कि डैनियल राज जी क्रिसमस ट्री के ऊपर या कुछ ऐसी चीज के ऊपर आपका स्टेटमेंट से हम सहमत नहीं है, मैं चाहता हूं कि टाइप करने के बजाय आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल करो, अभी करो, मैं आपको मौका दे रहा हूं। या मैं आपको मौका दे रहा हूं, आइए सुनते हैं। या हेलो, हेलो, हाँ ब्रदर, आप बात कर सकते हैं। हाँ जी,
हेलो, मेरा नाम रूमी है जी, और मैं पुणे से कॉल कर रहा हूँ जी। हाँ जी, तो एक्चुअली कुछ वीडियोस मैंने देखे थे जहाँ पर आपने जो उस दिन बात किया था, उस दिन मैं कॉल किया था आपको, लेकिन आपका मतलब कनेक्ट नहीं हो पाया। मनोरा मिनिस्ट्रीज के बारे में आप बता रहे थे, लेकिन मैंने आपको कॉल किया था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन मैंने देखा सर वो वीडियो, और उस वीडियो को मैंने वेरीफाई भी किया है, उसके वीडियोस को। देखिए, वीडियो बनाया उसने वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वीडियो का, वो मुझे लगता है कि उसको नोट किया करने लायक कमेंट है उसके। मतलब जैसे आपने कुछ बातें उसमें कही है, जैसे शिमन हसादिक के बारे में अगर आप बात करते हो तो ऐसी बात है, या तो फिर लूसीफर ने बाइबल में कुछ लिखा है, क्योंकि आपका मैं ये भी पढ़ रहा था फेसबुक पे कि आप भी बिलीव करते हो कि बाइबल जो है वो पवित्र शास्त्र, मतलब जो है वो खुदा का वचन है, तो इसमें शैतान का लिखने का कोई ये नहीं बनता है ना। और वही शिमोन असादिक का, ये दो चीज के बारे में आपसे पहले मैं आप बोल दीजिए, फिर कुछ रहेगा तो मैं आपको बोलता हूँ। ओके ओके, आपका नाम क्या है? रूमी, RUMI। ओके रूमी जी, ठीक है। दूसरा, आपका डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन से मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि व्हाट लाइक पेंटेकोस्टल कुछ ऐसा? डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन डिनोमिनेशन नहीं पूछा सर, डॉक्ट्रिन पूछ रहा हूँ। मेरा डॉक्ट्रिन तो वही है जो बिब्लिकल है, जो बाइबल सिर्फ बताती है सल्वेशन को लेकर, जीसस क्राइस्ट ओनली, नो वर्क्स, बट यू बिलीव इन जीसस एंड बाय बिलीविंग इन जीसस यू आर सेव्ड। आप टंग्स में बात करते हैं, जिब्रिश? सर मैं, वो गिफ्ट नहीं है मेरे पास, तो वो मैं कर नहीं सकता हूँ। वो तो गिफ्ट है, अगर किसी को मिलती है तो ही कर पाता है वो। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या पूछा सर, जो जिब्रिश है, जिब्रिश मैंने वर्ड यूज किया, जिब्रिश। आप जिब्रिश बोलिए, बोलिए भैया। हाँ जी, तो आप जब जिब्रिश बोलते हो ना सर, तो ये इंग्लिश लेटर या इंग्लिश वर्ड है जिब्रिश। जिब्रिश का मतलब है जो बच्चे लोग कुछ भी बड़बड़ करते हैं ना वो। लेकिन टंग्स अगर आप बोल रहे हो ना, मैं भैया एक से बात पूछ रहे हो सर भैया, आप टंग्स बोल रहे हो और आप जिब्रिश बोल रहे हो, ये दो अलग अलग चीज है। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से मैं आता हूँ, एक है जिब्रिश और एक है टंग्स, अभी ठीक है? हाँ जी, हाँ, परफेक्ट। तो आप मतलब क्या बोलते हैं? अगर हम बात करें तो टंग और जिब्रिश जो है वो बच्चे लोग इंग्लिश का एक वर्ड है जो सुमन, आपको यूज करते हैं। सुमन, हेलो। हाँ सुमन, इनको बोलो जितना पूछते हैं उतना ही बोलना है। सर पहला मैंने आपको बताया ना, आपने आपका क्वेश्चन रखा है, अभी पास्टर जी को आप जो पूछ रहे हो जवाब दे दीजिए पहले। हाँ नहीं सर, वो मैडम वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे भी तो सही जवाब देना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि वो जो चाहते वही। ओके सुमन, एक काम करो, थोड़ा टाइम ले लो, इनको बोलो कि आपको जितना पूछते हैं आपको उतना ही बोलना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। अगर इस भेस पे तैयार हैं तो डैनियल राज बात करेगा। ओके, इनको समझाओ पहले, फिर कॉल लगाओ। ओके। अब देखिए सर, मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये जिब्रिश बोलते हैं, क्योंकि जो टंग्स है उसको हम मानते हैं। टंग्स का मतलब होता है ग्लोसा, जिब्रिश का मतलब होता है अभी जैसे इन्होंने भी कहा बड़बड़ करना, हम उसको नहीं मानते। और मैं ये जान पूछ कर इसके लिए पूछना चाहता था कि इसका जो विश्वास है, डॉक्ट्रिन है, वो क्या है? आपने अपने कानों से सुना, इसने अपनी जबान से कहा कि वो गिफ्ट मुझे नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलता। तो इनको साफ करना था ना, जैसे ये मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे दो बात, एक है जिब्रिश, एक है टंग्स। मैं जिब्रिश और टंग्स इसलिए बोलता था कि लोगों को समझ आए। तो इनके मुंह से क्या निकला कि हम को वो गिफ्ट नहीं मिला इसलिए हम नहीं बोलते। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन तो आएगा ना कि आपको कौन सा टंग्स नहीं मिला, या किसका वेट कर रहे हो, जिब्रिश या ग्लोसा? अगर ये कहते कि मैं जिब्रिश को बिलीव नहीं करता हूं, जो कि आजकल चल रहा है, तो मैं आगे बात को बढ़ाता। अब आपको पता चल रहा होगा कि मनोरा मिनिस्ट्री वाला ये या तो उसका क्लोज है या तो उसको एक्सेप्ट करता है। अच्छा, जिस टॉपिक को लेकर उस बंदे ने वीडियो बनाई, मैं आपको भी कहता हूँ, इसको भी कहता हूँ, अगर ये सुन रहा है और अगर वापस कॉल आता तो इनको भी पूछूंगा, क्या उस व्यक्ति को जिसने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई, क्या उसने मुझसे व्यक्तिगत बात की? सर
शिमोना जद्दीक को उठाकर इसने एक स्टेटमेंट कोट किया जो कि मैंने अभी तक नहीं रखा। ये कहता है कि शिमोना जद्दीक का जो स्टेटमेंट है उसमें ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं, वो पांच प्रकार का चमत्कार घटा ही नहीं, जबकि ये रिकॉर्डेड है कि वो घटा है, वो इंसिडेंस हुआ है। और सब छोड़ो, इस व्यक्ति को जिसका नाम मनोरा, अल्लाह की नाम तो डालता नहीं है, और ये कहता है कि उसने जो कंटेन बनाया बनाया ठीक है, तो भाई तुम अपने पास रखो, तुम अपने तरीके से प्रचार करो, तुम मेरे कंधे पे बंदूक रखकर सब्सक्राइबर्स क्यों कमा रहे हो, तुम मेरी फोटो दिखाकर लोगों का अट्रैक्शन क्यों खींच रहे हो कि देखो डैनियल राज के विरोध में हमने एक ऐसा स्टेटमेंट उठाकर बता दिया। तो इसको कहते हैं ना कि भाई जब तुम्हारे को कोई नहीं सुनेगा, तुमको अच्छे से पता है कि अगर हमने वीडियो बनाई तो मुझे कोई नहीं सुनेगा, लेकिन डैनियल राज को सामने रख देंगे तो एटलीस्ट कुछ लोग तो सुनेंगे। तो इसको कहते हैं यूट्यूब के गुंडे, और जिसके चलते ये चल रहा है। अब आप खुद बताओ, जब इनसे देखो इनको ईगो कितना है, देखो, जबकि हमारी टीम इनको साफ कहती है कि जो पूछा जाए आपको उतना ही बोलना है, एक्स्ट्रा क्यों बोलना है। और अगर आपके पास में इतना नॉलेज है, मैं खुद चाहता हूं कि वीडियो बनाओ तुम लोग, मुझे मत सिखाओ अपना अपनी एनर्जी और अपनी ताकत अपनी वीडियो बनाने में डालो, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा, मुझ पर क्यों एनर्जी वेस्ट करते हो यार। अगर कॉल आता है तो हम इनको सुनेंगे, और मैं फिर कहता हूँ आप में से जो भी कॉल करेगा आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जो आपको हम पहले पूरा सुनते हैं, जब उसके बाद मुझे बात करना होता है तो जो पूछते हैं उतना बोला करो, क्योंकि आपको आपके अंदर आया ना वो बात कि हम डैनियल राज से बात करेंगे, तो आओ, तो फिर जब मुझसे बात करना है तो मेरे तरीके से बात करना होगा। आपको मौका पूरा दूंगा, आपको मैं पूरा सुनूंगा, उसके बाद जब मेरी बारी आती है मुझे जो अपने तरीके से सुनना है आप लोगों के बीच में रखना है। और मेरा हिसाब हमेशा ये होता है, एक मार दो टुकड़ा, हम मारते नहीं बैठेंगे टाइम पास करते हुए। एनीवे, तो दोस्तों वापस आते हैं, और फिर से कहता हूँ अगर किसी को कॉल करना है, मेरे पास 10 मिनट और हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके ना दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और वो प्रोग्राम है ये, और 90% मेरा जो अभी जो चल रहा है दिमाग में कि इसको मैं आप लोगों के बीच में कैसे लाऊंगा, तो वो तरीका होगा रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। अभी तक तो यही चल रहा है, 90% ये होगा कि मैं इसको रिकॉर्ड करता रहूंगा और आप लोगों के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर, 3 प्लेटफॉर्म पर डालता रहूंगा, एक है यूट्यूब, दूसरा फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों जगह पर डालता रहूंगा। तो जिसके चलते लिखा है कि जल्द शुरू हो रहा है ये पुराने नियम का फटाफट अध्ययन, क्विक स्टडी ऑन 39 ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स, तो इसके ऊपर हम आपसे जो है बात करेंगे ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि 29 पुस्तकों के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ओके, आप जो 29 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे उसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो है आदम, फिर उसके बाद में इनोक या हनोक, उसके बाद में नूहा, उसके बाद में अब्राहम, उसके बाद में आइजैक, उसके बाद में जेकब, उसके बाद में जोसेफ, उसके बाद में मोसेस और उसके बाद में जोशुआ, उसके बाद में आप लोगों का 43 किंग्स और फिर 17 प्रॉफिट्स। ऐसे करके आपके बीच में हम जो है ये बातों को आप लोगों के लिए सिखाना शुरू करेंगे। तो पुराने नियम का फटाफट अध्ययन इस वचन के हिसाब से, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, तो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझकर आप लोगों के बीच में रखूं, ऐसा प्रयास मैं करूंगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा, जैसे लिखा है कि पुराना नियम नए नियम का शैडो है, यानी कि परछाई है ना। उसके बाद आपके नॉलेज में अभी से ये बता दूं कि हम ओल्ड टेस्टमेंट की 39 पुस्तकों को वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं सीखेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो सब सीखेंगे। तो जिसके चलते लिखा है कि फटाफट बाइबल अध्ययन विश्व भर के लोगों के लिए ना। मकसद क्या है इस अध्ययन का? मकसद यह है कि नए पुराने मसीह भाई बहनों को सही तरीके से मजबूत करना, मतलब जो पुराने हैं वो और जो नए हैं वो, एक सच्चाई 90% मसीह समाज 39 पुस्तकों को पढ़ते वक्त में कठिनाई महसूस करता है, नहीं समझ पाते, लेकिन इन वीडियो के माध्यम से
आपको जब स्टडी दी जाएगी तो एक कोशिश होगी कि आप लोगों को सटीक तरीके से समझा सके। तो इसको कहेंगे कि मानो वचन 39 पुस्तकों का पुस्तक आपके लिए जिंदा हो जाएगा। ऐसी प्रयास आप लोगों के लिए मैं करूंगा और वचन को मैं जीवित करूंगा। दूसरे शब्दों में ऐसे उठकर आपके लिए आएगा और यह कैसे होगा? पवित्र आत्मा की अगुवाई से। तो जिसके चलते यह प्रयास परमेश्वर की अगुवाई से हम करेंगे। इस अध्ययन से 39 पुस्तकों को समझने में आसानी होगी। पुराने नियम की 39 पुस्तकों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विधान यानी कि व्यवस्था, नियमों की पुस्तकें। उसके बाद में आता है इतिहास की पुस्तकें, फिर आता है भजनों की पुस्तकें और अंतिम है नबियों की पुस्तकें। इसको कहते हैं कि ये टोटल 4 कैटेगरीज में बांटा गया। देखिए, जिसको जब हम बाइबल देखते ना, ये देख लीजिए, मोटा लगता है, ऐसा लगता है कि अरे बाप रे। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी से पढ़ें, तरीके से पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें, आसान हो जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा ना। वो पहला भाग जिसको कहते हैं विधान की पुस्तकें, उसमें है 5। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2 पुस्तकें जिसको मैंने रेड से स्पॉट किया है, उत्पत्ति निर्गमन, उसके बाद व्यवस्था गिनती व्यवस्था वर्णन। उसके बाद में ये बाकी पुस्तकें आते हैं जिसको कहते हैं इतिहास की पुस्तकें। टोटल जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 12 पुस्तकें। उसके बाद में भजनों की 5 पुस्तकें, 17 नबियों की पुस्तकें। ऐसे करके आपका 39 पुस्तक यहाँ पर हो गया। ओके, नाउ सबसे पहले जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है पुराने नियम के 5 पुस्तकों को, जिसको कहते हैं तोरा और साथ ही साथ पेंटेट्यूक। ये आपको सिखाया जाएगा। हर मसीह को इन 5 पुस्तकों को समझना, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर्स, डेटोनॉमी, ये 5 पुस्तकों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पहले उत्पत्ति के 50 अध्याय को समझाऊंगा कि वो कैसा है, जिसके चलते लिखा है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और पूरी की पूरी बाइबल इस एक पुस्तक के बेस पे टिकी हुई है जिसको मूसा ने लिखा। अध्याय 1 से 8 तक अलग दुनिया, 9 से 11 तक फिर एक अलग दुनिया। अध्याय 12 से एंट्री होती है अब्राहम की, उसको आपको सिखाऊंगा। इस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपनी एक अलग दुनिया बनाता है पूरे बाइबल में, उसको बताऊंगा। और जिसके चलते ये वचन है उत्पत्ति 12:2 में, जहाँ लिखा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और वो बड़ी जाति आज भी वर्तमान है, आज भी एग्जिस्ट करती है, और वो है इज़राइल। इज़राइल, जी हाँ। ना अब्राहम, इसहाक, याकूब और उसके 12 गोत्र, इसको बताऊंगा। और जिसके चलते मसीहा ने अब्राहम की बात करी, क्योंकि अब्राहम मसीहा का दिन देखना चाहता था, क्योंकि यहाँ से निकलेगा, यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह, तो जिसकी चर्चा यहाँ पे हो चुकी है। तो जिसको यीशु ने भी कहा है कि अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था। इन 5 पुस्तकों में जिसको कहते हैं तोरा, 12 घटनाएँ हैं, सृष्टि की घटनाएं हैं, आदम और हवा की रचना है। और ऐसे करते करते मैं चाहता हूं कि आप बाद में पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है। और फिर अब्राहम और उसकी पूरी कहानी, फिर उसके बारे में ये सारी बातें पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर इसहाक 90 पे और उसकी पूरी कहानी, और ये उसका पूरा उसका जो है डिटेल है कि सब बातों पर विषय होगी, और वो भी फटाफट। 10वें पे आता है याकूब और उसकी पूरी कहानी, और ये उसका पूरा पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में यूसुफ 11वें नंबर पर, उसकी पूरी कहानी, और यूसुफ के बारे में बहुत लंबा चलेगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं और फिर ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, तो जिसके चलते आप लोगों को पता चले। और यहाँ तक यूसुफ के आने तक इजरायली 430 साल की गुलामी में जा चुकी है और उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी हालत बहुत ख़राब है ना दोस्तों। फिर एंट्री होती है मूसा की, 12वें नंबर पर, मूसा की पूरी कहानी और मूसा का ये पूरा जो पॉइंट्स है ये और ये सब लेकर हम जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पुराने नियम की 39 पुस्तकों का पहला भाग यानी कि विधान यहाँ पर खत्म हो जाएगा जब हम आपको सिखाना शुरू करेंगे। फिर 12 पुस्तकों का शुरुआत होता है यहोशू की और उसकी पूरी कहानी, ये पूरे उसके पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में न्यायियों की पुस्तकें शुरू होती है, और 12 न्यायियों और उनकी पूरी कहानी, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे वो 12 कैरेक्टर्स हैं या रूलर्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। रूथ की पुस्तक और उसकी पूरी कहानी, 42 किंग्स और उनकी पूरी कहानी, और जिसके चलते आप लोगों को जो है यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाएगा। एजरा, नहमिया, एस्तर, और फिर उसके बाद में अय्यूब, माफ़ करना, भजनों की पुस्तकें जिसमें अय्यूब है, भजन संहिता, नीति वचन, सबदेश, सृष्टिगीत और विजडम बुक्स भी कहा जाता है उसको। और फिर उसके बाद अंत में आपको जो है 17 नबियों की पुस्तकें जिसमें से 5 मेजर हैं और बाकी 12 माइनर हैं। ऐसे करते हुए दोस्तों आपको जो है हम सिखाएंगे। ओके ना, मैं चाहता हूँ कि सुमन को कॉल लगाते हैं
और पूछते हैं कि कन्वर्सेशन डाई के लिए एंड कैसे हुआ। तो सुमन, अगर आप मुझे देख रही हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कॉल करें, क्योंकि जब ये पब्लिक में आते हैं ना तो इनका टोन अलग हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, बदतमीजी पे आते हैं लेकिन इनको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जब ये वॉइस क्लिप भेजते हैं ना तो अलग इनका टोन होता है। आइए सुनते हैं, देखते हैं अगर कॉल लगता है तो। अपन डाई के लिए नंबर सत्या व्यस्त। ओके सुमन, मैं चाहता हूं अगर आप देख रही हैं, जो कि आप देख रही हैं, मुझे कॉल करिए। आ गया या हेलो हेलो या हाँ फिर वो, क्या हुआ? वो ब्रदर लाइन पर है अभी। हाँ मैंने बोला है उनको। हाँ हाँ ओके करूं? जी बिल्कुल करिए। हेलो या हेलो 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 जी हाँ जी बोलिए। हाँ तो अब जैसे आप पूछते हैं ना भैया वैसा ही जवाब देना है। ओके हाँ जी बोलिए। हाँ ओके, तो आप जिब्रिश को मानते हो या टंग्स को, यानी कि ग्लोसा, किसको मानते हैं आप? बिब्लिकल टंग्स। ओके, तो जिब्रिश आप नहीं बोलते? नहीं नहीं है वो, अगर तो कैसा बोलूंगा, यही पूछ रहा था भैया आपसे पहले। ओके दूसरी चीज आपको पहले नहीं, पब्लिक जानती है और पब्लिक सुन रही है, और मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्डेड वीडियो को आप फिर से जाके सुन लेना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अप्रिशिएट करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। ओके, वी कैन मूव ऑन टू द टॉपिक, लाइक मैं जिसके लिए कॉल किया था उसी के जी अंतर, वो मैं तय करूंगा ना भैया। आपका दिक्कत क्या है भैया, आप शांत क्यों नहीं रहते हो? आप जब जाते हो ना तो जरा शांत रहा करो, सॉफ्ट रहा करो, जो पूछते हैं ना उसका जवाब दिया करो, बस बाकी कुछ नहीं बोलना है। और जब मुझे कॉल करते हो इन फ्यूचर भी ना, तो ईगो को बगल में रख के कॉल किया करो। ओके, अब आपसे आपका ईगो इतना है, आप दूसरों को क्या ईगो का सीख? या अब आपको पता चला कि ये अभी भी नहीं सुधरा, और मैं ऐसी बकवास नहीं सुन सकता। इसको कहते हैं कि इनको सीखना नहीं है, ये स्कॉफर्स हैं, ये स्कॉफर्स हैं। अब देखो उसके मुंह से क्या निकल गया, क्या आपको इतना ईगो है? अरे भाई मेरा ईगो है, मैं रखूंगा, आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे सुनना बंद करो, सिंपल है मेरे दोस्त। मेरे को ईगो है, मुझे घमंड है, पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप लोग, तो रहने दो ना, मेरा न्याय परमेश्वर करेगा। आप लोगों को जो चीज़ पसंद नहीं आती है, सिंपल है, मत देखो और मत सुनो, सिंपल है। क्या तुमने ऐसा कुछ लेके निकले हो क्या ठेका कि हम सबको सुधार देंगे? हद है यार। एनीवे दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर मुझसे बात करना है ना तो आप लोग सोच समझ के ही आइए। जिस तरीके से आप लोग टाइप करते हो ना, पहली बात तो वो बंद कर दो। आपको मौका दे रहे हैं तो उस मौके का फायदा उठाओ। आपको आखिर मुझे नहीं सिखाना है, मैंने जो सिखाया है उससे आपको दिक्कत है, उसको पूछकर चुप रहना है, ये है तरीका। और सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे सिखाने निकले हो, हद है। चलिए दोस्तों, आइए प्रार्थना करते समाप्त करते। परमेश्वर आपको स्तुति देते हैं और आपको महिमा देते हैं, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोग तब भी थे और आज भी हैं। बस ये प्रार्थना है कि परमेश्वर इन्हें बुद्धि दे, बात को समझें, और आपके राज्य में ये लोग आगे बढ़ सके। आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, तो वापस से कहते हैं कि ये जो अध्ययन है जबरदस्त तरीके से आपके बीच में आने वाली है। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले किसी वीडियो में। जय मसीह।